राम दोस्तों, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक भाई साहब कल बहुत लंबा लेख लिखे व्हाट्सएप पे, हम इतना लंबा लिखे कि मतलब मंत्रमुग्ध हो गए हम, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना लंबा लेख लिखे हैं और अपना मतलब लेख पे मेरे से एक वीडियो चाहते हैं। तो सारी बातें तो नहीं, लेकिन उनका एक कहना था कि आपके ज्ञान से बहुत सारे बच्चे बर्बाद होने से बचे हैं और आगे भी बचते रहेंगे। इसके थैंक यू नोट्स भी आपको कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली मिलेंगे, कुछ नहीं भी मिलेंगे। और उनका कहना है कि आपने कई वीडियोस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डेयरी के बारे में बताया है, लेकिन वो पूरी वीडियोस के दौरान कहीं ना कहीं छुप जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरी सफलता जो है मेरी रिसोर्सेज की वजह से है, इसलिए वो मतलब उनसे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं और उनसे कोरिलेट करते हैं जो उनको सड़क छाप ज्ञान दे पाते हैं और उन्हीं के फुटस्टेप पे चलने की वो कोशिश करते हैं। बाद में कहा है, काफी हद तक सच्चाई है। इसके बाद वो एक चीज और इसमें उन्होंने लिखा है, बनना अंबानी के जैसा है। और एक कहीं पे लिखा, एक कहीं भी उन्होंने लिखा है, बनना अंबानी की तरह है। और पर आप कहते हैं मेरे से अलार्मिंग मैसेज, किसी ने एक और इंफॉर्मेशन सीन में कहीं गायब सा हो जाता है। उसी को दिखता है जो जानता है, उसको नहीं जिसको ज़रूरत है। जैसे आज के वीडियो में टाइमली कंसीव के बारे में, हाँ टाइमली कंसीव के बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी अलार्मिंग तरीके से बोला था, और बोला था कि आप उसको, हाँ अंबानी जैसा है पर चलना किसी सड़क छाप के फुटस्टेप पे है। तो ये एक लाइन इनकी थी, जबरदस्त लाइन दिया इन्होंने। अब आ जाओ, आप इनका क्वेश्चन क्या था कि अगर सिर्फ 10 लाख रुपए मेरे पास है तब फिर क्या। तो देखिए, 10 लाख रुपए होते अगर मेरे पास और इसके अलावा कोई रिसोर्सेज नहीं होता, तो मेरा पहला काम था कि वो 4 लाख रुपए जो है वो मैं बैंक में डाल देता, उसका मैं यूटिलाइजेशन ही नहीं करता। 6 लाख रुपए बचे, उसमें 60-70 हज़ार रुपये शेड पे खर्चा करता। फिर मैं पूरे साल का भूसा खरीदता, मतलब भूसा इस हिसाब से समझो कि 10 किलो के पर डे के हिसाब से हम 365 दिन का भूसा खरीदते, करीब करीब 3650 किलो या 4 क्विंटल मान के चलो, सॉरी 4 टन भूसा खरीदते। प्लान मेरा ये होता, 80,000 से 1 लाख रुपए की कम से कम 2 या 3 गाय लें और साथ में 2 हीफर लें या 1 हीफर लें, तो 3 गाय में 3 लाख रुपए लगाते और 40-45 हज़ार की अच्छी हीफर कोई एक ले लेते 11-12 महीने की, तो हो गए 4 जानवर। और मैं इस समय जब होता, जब अभी ये वीडियोस बन रही हैं, मतलब लोगों को काफ़ी जानकारी मिल रही है, तो मैं भूसा खरीदता अप्रैल में मई में और गाय खरीदता अक्टूबर में, तो मेरे कितने पैसे खर्च हो गए, 60-70 हज़ार रुपये का सेट बना लिया, 3,80,000, 3,50,000 का जानवर खरीद लिया, 50-60 हज़ार, 4 टन भूसा है तो 1 टन आपको 5 रुपये किलो से उस समय मिलेगा आपको, तो 5 रुपये किलो से आप वही 25-27-28 हज़ार का भूसा। ये खरीदने के बाद हम लोग वो जमीन लेते ताकि हरा चारा हम पूरा बना सकें गायों के लिए, 1 बीघा के करीब जमीन जरूर लेते हैं। 1 बीघा में 5 कट्ठा हम सुपर नेपियर लगाते और 15 कट्ठा रखते सीजनल ग्रीन फॉडर्स के लिए। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, मैं बंधे हुई व्यवस्था में उस समय गाय रखता और 2024 के हिसाब से 80,000 से 1 लाख रुपये में आपको 20 से 25 लीटर वाली गाय मिल जाती अच्छी। बॉडी स्कोर जरूर देखता कि अच्छी बॉडी स्कोर की गाय मिले और खाने में चाव रखने वाली गाय मिले, बाकी वैक्सीनेशन वगैरह का जो एक्सपेंसेस आता वो तो ज़रूर हम लोग कवर करते। तो मेरी जो शुरुआत होती 10 लाख रुपए में, वो 2 से 3 गाय और 70 से 80 लीटर दूध पर डे का प्रोडक्शन विदाउट लेबर में करता ये काम, और 80 लीटर के प्रोडक्शन पर मेरा पर डे का 2,000-1,800 रुपये का दूध बिकता, उसमें बाकी जो है 1,000 से 1,200 रुपये दाना के लिए, 700 से 800 रुपये हम शुरू में बचाते जाते हैं हर महीने,
जो पर डे का है, उस पैसे में से 10,000 रुपये मात्र घर खर्च के लिए निकालते हैं हम, और बाकी सारा पैसा सेव करते उस समय के लिए जब गाय खाएगी लेकिन उतना दूध नहीं देगी जितने से आपकी आमद हो सके, और उसको बचा के हम लोग रखते लास्ट के लिए। और देखिए, अगर लेबर नहीं है तो 35-40 रुपये में भी आप जो दूध बेच रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट होता। और ये वही बात है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन, कैसे लोगों को फार्म नहीं करना चाहिए? देखिए, फार्म ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो मेहनत नहीं कर सकते हैं, और वो तो एकदम ना करें जो मतलब हवाबाजी में है और सिर्फ यूट्यूब पे छपरी यूट्यूबर्स की वीडियोस देख करके अपने आप को इस बिजनेस में उतारना चाहते हैं। आप मत करिए बिना मतलब कि आप गाय को भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशान होंगे, परिवार को भी अपना परेशान करेंगे। और 17, 18, 19 साल की उम्र होती है, लोगों की चाहत होती है कि हम पैसा जल्द से जल्द कमाना शुरू करें, तो उसके कई रास्ते हैं, ये सिर्फ नहीं है। उसके बाद इनका क्वेश्चन था सक्सेसफुल होने का फिक्स्ड गोल क्या है, इसे ठीक से समझना। देखिए, सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा गोल तो यही है कि आपकी गाय का 90% हर्ड प्रेग्नेंट हो। अगर आपके पास 4 गाय प्रेग्नेंट करने के लिए तो 3 तो मिनिमम हो ही हो, और 3 से कम 1 या 2 हीफर काफ्स आपको मिल जाए, तो ये सक्सेसफुल होने का सबसे पहला जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। हर चीज को छोड़ दीजिए, आप फीड मैनेज कर लीजिए, आप फार्म मैनेज कर लीजिए, अगर आपकी गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आपका फेलियर फिक्स है। तो ये बात समझ लीजिए कि पहला टारगेट आपको गाय को प्रेग्नेंट कराने का है, और उसके लिए आपको उसका फीड मैनेजमेंट बढ़िया करना होगा, उसका फार्म मैनेजमेंट बढ़िया करना होगा। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो उसको टाइमली प्रेग्नेंट कराना है। और यही सीजन है जिस समय आप प्रेग्नेंट कराते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीने में जो आप सक्सेस पाएंगे उसी का बेनिफिट आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में अगले साल दिखेगा। तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अच्छा, देखिए, इनका एक और क्वेश्चन था साइलेज क्यों मिलना। देखिए, 20-25 लीटर तक की गाय के लिए बहुत साइलेज का इम्पोर्टेंस नहीं है, बशर्ते कि आपके पास हरा चारा उपलब्ध हो। अगर हरा चारा उपलब्ध है तो साइलेज की महत्ता आती है 30 लीटर से अबव के काउज में। अच्छा, एक और चीज इन्होंने पूछा, बहुत कोई कहता है कि शेड में खर्च नहीं करने का। देखिए, शेड अगर आपका अच्छा हवादार नहीं होगा तब आपकी जानवर हाँपती रहेंगी गर्मी भर, आप उसको ना हीट में ला पाएंगे और ना वो प्रेग्नेंट होंगी। तो ये जितना भी है ना कि शेड में भी खर्चा मत करो और उसमें भी, आपको एक प्रॉपर मिक्स्ड बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। और शेड जो भी है वहां पे ठंडे की व्यवस्था के साथ साथ हवा के निकलने का भी आपको भाव, अगर मीथेन गैस, चूंकि गाय जब भी गोबर करती है तो गोबर के साथ मीथेन गैस रिलीज करती है, और मीथेन गैस जब आपकी गाय रिलीज करती है तो वो सीधे आपको सीधे जो है आपको गाय कंज्यूम करती है, तो वो गाय के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए मीथेन गैस को उस इलाके से हटा के ऑक्सीजन के लेवल को सही सही बना के रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए शेड का सही और प्रॉपर और हवादार बनना बहुत जरूरी होता है। देखिए, आप जो पूंजी लगाएंगे शुरुआती पहले 3 साल में यू आर गोइंग टू गेट नथिंग, आप बहुत ज्यादा नहीं पाएंगे। संभव सर ने, टीडीएम फार्म वाले ने बहुत सही बात बोली थी, जब आप गाय बेचने से खरीदने वाले हो जाते हैं तब आप गाय खरीदने वाले से बेचने वाले हो जाते हैं तब आप समझिए कि आप प्रॉफिट में हैं। उससे पहले आप प्रॉफिट में नहीं है। एक गलत वाक्य बीच में जुड़ गया, मैं दूसरा एक ये मैसेज पढ़ने लग गया था। और बाकी जो चीजें हैं वो तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बीसीएस का ना टूटना, दूध का रेट क्या मिले, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन डेयरी, बट यू हैव टू आस्क देम वन बाई वन।
तो पहला ये चीज है, जो लोग भी अभी राजीव भाई का क्वेश्चन बहुत सही है कि कल बहुत इम्पोर्टेंट बात हमने बोली, बट किन्हीं ने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब जो है कहानी यही है कि फिलहाल आप कोशिश कीजिए अगले 2-3 महीने में कि आप जो चीज़ें हम बता रहे हैं उस पर अमल कर सकिए और अमल करके कुछ बेनिफिट लाइए। आगे की सीरीज़ में मैं जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल करूँगा, GPG 011 प्री सिंग पोस्ट सिंग G6G G7G। ये नॉलेज आपको हर जगह उपलब्ध हो, ये ज़रूरी नहीं है, और ये नॉलेज आपको क्यों इम्पोर्टेंट है उसका मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया है कि गाय अगर गाभी नहीं हुई तो आपको साल भर में नहीं तो 1.5 साल में तो आप बर्बाद हो ही जाइएगा। तो आगे की वीडियोस में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी थैंक्स राजीव जी, आपका क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था, हर क्वेश्चन का आंसर दे पाना मुश्किल था, लेकिन जितना हो सका है हम दिए हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अब हमको ऑफिस भी जाना है, और अब जितना मैं दे सकता था ज्ञान इस वीडियो में उतना मैंने दे दिया। थैंक यू।